प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन भरा था। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी संपत्ति का और कर्ज का ब्यौरा भी चुनाव आयोग को दिया था। शुक्रवार को दिए अपने हल्फनामे के मुताबिक इस वक्त उनकी चल संपत्ति 1,41,36,119 रुपए है, जबकि अचल संपत्ति के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गुजरात के गांधीनगर में 1,10,00,000 रुपए की जमीन है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल चल संपत्ति 2,51,36,119 रुपए है। 2014 की बात करी जाए तो नरेंद्र मोदी ने आयकर विभाग को अपनी आय में 9,59,711 रुपए बताई थी। 5 साल बाद 2019 में उन्होंने अपनी आय 19,92,520 रुपए बताई है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नकदी 29,000 रुपए थी। 31 मार्च 2019 को खत्म हुए वित्त वर्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 38,750 रुपए की नकदी है। 2014 में नरेंद्र मोदी के पास 44,23,383 रुपए फिक्स डिपॉजिट के तौर पर थे। हल्फनामे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुल 1,27,81,874 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। गांधीनगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री के खाते में मात्र 4,143 रुपए जमा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के पास गोल्ड ज्वेलरी 1,35,000 रुपए की थी। मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं। इनका वजन 45 ग्राम है। 31 मार्च 2019 को इनकी कीमत 1,13,800 रुपए थी। शुक्रवार को दायर हल्फनामे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7,61,466 रुपए जमा कराए हैं। इसके अलावा उनके पास 1,90,347 रुपए का जीवन बीमा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आयकर विभाग से 85,145 रुपए लेने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएमओ पर 1,40,895 रुपए बकाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हल्फनामे में बताया था कि उनके नाम पर कोई भी दुपहिया या चार पहिया वाहन नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपनी कमाई का जरिया सरकार से मिली तनख्वाह और बैंकों से मिलने वाले सूद को बताया है। इसके अलावा उनके पास कमाई का और कोई भी साधन नहीं है, फिर भी वो इस समय करोड़पति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन पत्र में पत्नी के रूप में जशोदा बेन का नाम लिखा है, लेकिन उनकी पत्नी की आय समेत किसी भी बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री की और कितनी तनख्वाह है और कितनी सैलरी है या फिर और उनकी कितनी जमा पूंजी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN9 न्यूज़ पर। हर्ष की रिपोर्ट।